दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल द आइज इनसाइडर एंड ये है एक रीडिंग पैसेज जो कि मकर रीडिंग बुक में से लिया गया है. द रीडिंग इज 28 नंबर एंड आज हम करेंगे रीडिंग की एक्सप्लेनेशन. द पैसेज नेम इज द एडिक्शन टू टेलीविजन. सो पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे, दो तीन लाइनें पढ़ लेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे. द एडिक्शन टू टेलीविजन मतलब आदत लगना टेलीविजन देखने की. The amount of time people spend watching television is astonishing. कहते जितना समय लोग बिताते हैं टेलीविज़न देखने के लिए वो कहते हैरान करने वाला है. On average, एवरेज की अगर बात की जाए, individuals in the industrialized world, जो industrialized world को belong करते हैं लोग, वो कहते devote करते हैं मतलब देते हैं अपना 3 घंटे एक दिन में टू द परस्यूट. परस्यूट मतलब काम. सो काम कौन सा है? टेलीविज़न देखना. सो टेलीविज़न देखने के लिए वो 3 घंटे अपने प्रतिदिन के देते हैं. फुल्ली हाफ ऑफ देयर लेजर टाइम कहते ये क्या है? आधा समय है उनका जो लेजर टाइम होता है, फ्री समय. जो उनका फ्री समय है उसमें ये क्या है? आधा समय है. मतलब 6 घंटे का अगर लेजर टाइम है तो 3 घंटे तो वो टेलीविज़न ही देख रहे हैं. एंड मोर देन ऑन एनी सिंगल एक्टिविटी. सो कोई भी किसी भी एक सिंगल एक्टिविटी पे वो इतना टाइम नहीं स्पेंड करते जितना वो टेलीविज़न देखने में स्पेंड करते हैं. सो अभी क्वेश्चंस देखेंगे हम. सो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं इस पैराग्राफ के वो हैं ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसमें से कीवर्ड सर्च करेंगे. स्टडी शोज मतलब कोई रिसर्च बताती है दैट मेल्स आर मोर लाइकली मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं. मोर मतलब ज़्यादा, लाइक मतलब पसंद. सो ज़्यादा पसंद करते हैं टू बी एडिक्टेड, टेलीविज़न को अडिक्ट होना, देन फीमेल्स. सो फीमेल्स मेल्स का कंपैरिजन है, एडिक्शन टेलीविज़न की मेल्स को ज़्यादा है देन फीमेल्स. सो ये देखते हैं हम कहाँ पे है पैसेज में. फर्स्ट पैसेज में अगर हम स्कैन करें तो देखो टेलीविज़न की एडिक्शन की बात तो है, ठीक है. पीपल स्पेंड वॉचिंग टेलीविज़न. सो 3 घंटे स्पेंड करते हैं एक दिन में, ये भी कहा है. बट मेल फीमेल का कंपैरिजन मुझे नहीं मिल रहा. स्कैन कर लेते हैं हम. पीपल एक्सपीरियंस मिस गिविंग अबाउट हाउ मच दे व्यू. तो यहाँ पे भी पीपल है, मेल फीमेल डिफरेंट नहीं, उन्होंने सेपरेटली नहीं बताए. टू स्टडी पीपल्स रिएक्शन टू टेलीविज़न रिसर्चर्स हैव एक्सपेरिमेंट. कहते हैं रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट किया. तो चलिए स्टडी आ गया हमारा, ये तो एक्सपेरिमेंट की बात है. नेक्स्ट पैसेज में देख लेते हैं हम. सो कहीं पे भी मुझे मेल या फीमेल, गर्ल्स या बॉयज़ का कंपैरिजन कहीं नहीं मिल रहा. सो द आंसर विल बी नॉट गिवन. सो एडिक्शन टू टेलीविज़न मिल गया, स्टडी शोज मिल गया, बट मेल फीमेल जो है नहीं मिले. तो मुझे आंसर क्या होगा मेरा? नॉट गिवन. नेक्स्ट देखते हैं. ग्रेटर इम्प्रूवमेंट्स इन मूड आर एक्सपीरियंस्ड आफ्टर वॉचिंग टेलीविज़न देन प्लेइंग स्पोर्ट्स. कहते कि ज़्यादा उनका मूड अच्छा होता है टेलीविज़न देखने के बाद देन प्लेइंग स्पोर्ट्स. तो सी पैराग्राफ में यहाँ पे स्पोर्ट्स लाइन है. तो ये देखते हैं सर्वे पार्टिसिपेंट्स. सर्वे में जो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन्होंने क्या कहा? दे हैव मोर डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग आफ्टर व्यूइंग देन बिफोर. कंसनट्रेट की बात हुई है, ठीक है, मूड की बात नहीं हुई. चलो आगे देखते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट दे रेयरली इंडिकेट सच डिफिकल्टी आफ्टर रीडिंग. ओके, आफ्टर यहाँ पे मेरे कीवर्ड्स है आफ्टर प्लेइंग स्पोर्ट्स और इंगेजिंग इन हॉबीज, ठीक है. स्पोर्ट्स की बात आ गई. पीपल रिपोर्ट इम्प्रूवमेंट्स इन मूड, ठीक है. आफ्टर वॉचिंग टेलीविजन पीपल्स मूड मूड्स आर अबाउट द सेम और वर्स देन बिफोर. तो ये देखो ये ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी. यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है?
गेम्स खेलना या अपनी कोई भी हॉबी में इन्वॉल्व होना, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा अच्छा उनका मूड हो जाता है, उनके मूड में इम्प्रूवमेंट देखी जाती है। आफ्टर वॉचिंग टेलीविजन कहते हैं उनका मूड जो है, लोगों का मूड क्या होता है, या तो वैसे ही रहता है जैसे पहले था, या उससे भी बुरा हो जाता है। सो क्वेश्चन को हिस्सों में डिवाइड कर लेना है अगर ज़्यादा कंफ्यूजन होती है तो। ग्रेटर इम्प्रूवमेंट किस में है, मूड में, ठीक है, ये मिल गया। यहाँ पे लिखा है इम्प्रूवमेंट इन मूड, ठीक है। सो यहाँ से ये कीवर्ड्स आगे आर एक्सपीरियंस देखे जाते हैं, ठीक है, रिपोर्ट करना, ठीक है, एक्सपीरियंस होना। आफ्टर वॉचिंग टेलीविजन, बट टेलीविजन के बाद तो लोगों का मूड क्या रहता है, सेम या उससे भी बुरा हो जाता है, ये कहते हैं कि इम्प्रूव होता है, तो ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन होगी। एंड कंपैरिजन किया है प्लेइंग स्पोर्ट्स में, एंड प्लेइंग स्पोर्ट्स में कहते क्या है, मूड अच्छा होता है, ठीक है। पीपल रिपोर्ट इम्प्रूवमेंट इन मूड आफ्टर प्लेइंग, तो ये ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन लिखी है, सो आंसर मेरा आएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविजन एडिक्शन वर्क्स इन सिमिलर वेज एज ड्रग्स, जैसे कहते हैं नशे जो होते हैं ड्रग्स होता है, जैसे वो ड्रग काम करता है, वैसे कहते हैं टेलीविजन एडिक्शन जो है काम करती है इन सिमिलर वेज। सो सी पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा है व्यूइंग बैगेट्स मोर व्यूइंग, कहते हैं टेलीविजन देखना, उसको व्यू करना, बैगेट मतलब कोज करता है, सो व्यूइंग कोज मोर व्यूइंग, जब हम टेलीविजन एक बार देखते हैं तो हमारा जी करता है भी और देखें। विच इज द सेम एज द एक्सपीरियंस ऑफ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, कहते ये सेम है जैसे कि हम एक्सपीरियंस करते हैं ड्रग्स को। तो देखो टेलीविजन एडिक्शन, इसको कहते हैं व्यूइंग बैगेट्स मोर व्यूइंग, टेलीविजन एडिक्शन। वर्क्स मतलब, ठीक है, विच इज सेम एज एक्सपीरियंस, ठीक है, वर्क्स इन सिमिलर मिल गया, एज ड्रग्स की बात की है, ठीक है, तो आंसर मेरा आएगा ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इट इज रिपोर्टेड, ये कहते हैं रिपोर्ट किया जाता है कि दैट पीपल सेटिस्फैक्शन, लोगों सेटिस्फैक्शन मतलब फील करना, मतलब तसल्ली फील करते हैं, वो अच्छा फील करते हैं। पीपल सेटिस्फैक्शन इज इन प्रोपोर्शनल टू द टाइम दे स्पेंड वॉचिंग टेलीविजन, मैथ पढ़ा है आपने तो होता है ना प्रोपोर्शन, जैसे पीपल्स सेटिस्फैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम दे स्पेंड वॉचिंग, जितना ज्यादा टाइम वॉच करेंगे उतना ही ज्यादा उनके क्या होगी, सेटिस्फैक्शन होगी। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। फिर इज माई की वर्ड सेटिस्फैक्शन, सो ये लाइन स्टार्ट हो रही है यहां से, पढ़ते हैं। इन आर ई एस एम स्टडीज, सो यहाँ पे भी किया है रिपोर्ट किया, इट इज रिपोर्टेड, कहते हैं स्टडी में क्या पता लगा, द लॉन्गर पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द सेट, सेट मतलब टेलीविजन, ठीक है, जितना लंबा समय लोग बैठते हैं टेलीविजन के आगे, द लेस सेटिस्फैक्शन दे सेड दे ड्राइव फ्रॉम इट, कहते उतनी ही कम उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है उससे, टेलीविजन देखने से। तो ये कहते हैं भी जितना टेलीविजन देखेंगे उतना सेटिस्फाइड होंगे, ये कहते हैं जितना टेलीविजन देखते हैं उतना ही अनसेटिस्फाइड फील करते हैं, लेस सेटिस्फाइड, सो आंसर आ गया फॉल्स, ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन। मिडिल क्लास व्यूअर्स, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो कहते हैं टेलीविजन जो व्यू करते हैं आर मोर लाइकली, ज़्यादा पसंद करते हैं टू फील गिल्टी, मतलब वो ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं अबाउट वॉचिंग टेलीविजन देन पुअर, ठीक है, पुअर से ज़्यादा वो ज़्यादा मिडिल क्लास वाले ज़्यादा फील करते हैं गिल्टी। तो इसकी लोकेशन देखते हैं, मिडिल क्लास व्यूअर्स लेस एफ्लुएंट वन, लेस एफ्लुएंट मतलब पुअर, सो ये लाइन देखते हैं। रिसर्चर्स इन जापान द यूके एंड द यूएसए, अच्छा एक चीज़ देखना, कभी भी आप राइटिंग में भी यूके यूएसए और द यूनाइटेड किंगडम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखो तो उसके आगे द हमेशा लगता है क्योंकि यूनाइटेड वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। रिसर्चर्स इन जापान द यूके एंड द यूएस हैव फाउंड, इनको पता लगा है दैट दिस गिल्ट अकर्स
मच मोर अमंग मिडिल क्लास व्यूअर्स, मतलब मिडिल क्लास वाले ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं देन लेस एफ्लुएंट वंस. सो मिडिल क्लास मिल गया, ठीक है. आर मोर लाइकली टू फील गिल्टी अबाउट वॉचिंग टेलीविजन, यहाँ पे व्यूअर लिखा है, व्यूअर इसलिए लिखा है ना, देन पुअर, सो लेस एफ्लुएंट वंस. सो आंसर विल बी ट्रू, क्योंकि सारे वर्ड्स मुझे पैराग्राफ में से मिल गई. क्वेश्चन 6 to 10, लुक एट द फॉलोइंग रिसर्चर्स. सो ये रिसर्चर्स के नाम हैं और ये कहते हैं लिस्ट दी हुई है स्टेटमेंट्स की, हमने मैच करनी है बेसिकली. जो अप्रोप्रिएट आंसर हमें लगेगा ए बी सी डी एच अकॉर्डिंगली हम जो है लिख देंगे, ठीक है. ए टू एच हमने क्या करना है, करेक्ट लेटर चूज करना है, 6 और 10 आंसर शीट में लिखनी है. सो फर्स्ट देखते हैं 6, बायरन रीव्स एंड एस्थर थोर्सन. ये जो नेम है ना किसी भी एक पैराग्राफ में आया होगा, वहाँ पे मैंने देखना है कि इस पर्सन ने कुछ बोला है, कुछ अपनी ओपिनियन दिया है, बस मैंने वो चीज़ देखनी है. काफ़ी तो ये इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं, सो लेट मी सी वेदर दिस नेम इज़ रिटन, ठीक है. एंड एक और चीज़ हो सकता है सिर्फ सरनेम ही यूज़ किया हो, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है. सो फर्स्ट है बायरन रीव्स एंड एस्थर थोर्सन, यहाँ पे आंसर है मेरा बायरन रीव्स, ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, और एस्थर थोर्सन यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी एंड देयर कुलीग्स, उनके कुलीग्स ने कहते स्टार्ट कर दी स्टडी करना, बिगेन टू स्टडी वेदर द सिंपल फॉर्मल फीचर ऑफ टेलीविजन. सिंपल जो फीचर होते हैं टेलीविजन के, जैसे कि कट्स हो गए, एडिट्स हो गए, जूम्स हो गए, पैंस, सडन नॉइसिस हो गए, वो एक्टिवेट करते हैं द ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स देयर बाय कीपिंग अटेंशन ऑन द स्क्रीन, ठीक है, बाय वॉचिंग हाउ ब्रेन वेव्स वर अफेक्टेड बाय फॉर्मल फीचर. तो रिसर्चर ने ये इंक्लूड किया. तो इससे हम क्या देखते हैं, लिस्ट देखो, ये क्वेश्चंस ना टाइम सेविंग क्वेश्चन होते हैं, इनको हमने ट्रू फॉल्स की तरह ना सोचना नहीं है कि हाँ ये सही है गलत है, ये एज इट इज़ इंफॉर्मेशन या सिनोनिम्स के रूप में हमें पक्का मिलेगी ही मिलेगी. तो हमने अगर कीवर्ड्स भी देख लिए तब भी हमें आंसर मिल सकता है. देखो बायरन रीव्स यहाँ पे मुझे मिल गया, ये दो पर्सन बायरन एंड एस्थर, और उसके आगे इन्होंने लिखा है कि फॉर्मल फीचर जो टेलीविजन के हैं वो क्या कैसे एक्टिवेट करते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है, जब लंबे समय तक वो अटेंशन देता है स्क्रीन पे. सो यहाँ पे देखो फॉर्मल करैक्टर आ गया, स्टिमुलेट करता है, देखो वेरियस मीडिया फॉर्मल करैक्टर्स, यहाँ पे लिखा है व्हाट द सिंपल फॉर्मल फीचर ऑफ टेलीविजन क्या है, मीडिया, ठीक है. सो यहाँ पे एग्जांपल दे दिए हैं, ये क्या है करैक्टर्स है, यहाँ पे लिखा है स्टिमुलेट, यहाँ पे लिखा है एक्टिवेट, द ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स, ठीक है, पीपल्स रिएक्शन ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन, मेरे कीवर्ड्स मिल गए, मेरा आंसर क्या होगा 6 का F, ठीक है. सो ज़्यादा वर्ड्स देखो जो मिलते हैं वो मेरा आंसर होगा विदाउट एनी डाउट. 7 देखो डेफना लेमिश, ये देखना है नेम कहाँ पे है. इन ई पैराग्राफ डेफना लेमिश मुझे मिल गया, इस यूनिवर्सिटी का है, हैज़ डिस्क्राइब्ड बेबीज एट 6 to 8 weeks जो होते हैं अटेंडेड टू टेलीविजन, वी हैव ऑब्जर्व, कहते 6 से 7 week के जो बच्चे जिन्होंने टेलीविजन देखा है, वी हैव ऑब्जर्व, हमने ये ऑब्जर्व किया है स्लाइटली ओल्डर इन्फेंट्स, इससे थोड़े बड़े जो बच्चे हैं, हु वेन लाइंग ऑन देयर बैक्स ऑन द फ्लोर, जब ना कहते फ्लोर पे जमीन पे वो अपनी पीठ के बल लेटे होते हैं, क्रेन देयर नेक अराउंड 160 degrees टू कैच व्हाट लाइट थ्रू योंडर विंडोज ब्रेक्स, कहते पूरी अपनी ना गर्दन जो है पूरी घुमाते हैं 180 डिग्री पर ये देखने के लिए कहाँ से विंडो से लाइट आ रही है, मतलब टेलीविजन से लाइट आ रही है. दिस इंक्लिनेशन, ये जो इतना उनका इंटरेस्ट है बताता है हाउ डीपली रूटेड द ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स इज, भी कितना जो रिस्पॉन्स है वो बच्चे इंसान बेसिकली है देते हैं. ऑडियंस वुड गेट हिप्नोटाइज की बात नहीं है, पीपल हैव बीन सेंसिटिव टू टेलीविजन सिग्नल्स सिंस यंगर एज. सो यंगर एज बताइए उन्होंने 6 to 8 weeks की, ठीक है, सो यंगर एज है, इन्फेंट्स की बात की है,
टेलीविजन के लिए सेंसिटिविटी है कि पूरी अपने गर्दन घुमा के देखते हैं अभी कहाँ से लाइट आ रही है. सो बी इज द आंसर. एट इज रॉबर्ट डी मैकब्रेथ. यहाँ पे है रॉबर्ट, यूनिवर्सिटी मैनिटोबा का है ये बंदा. तो उसने क्या एक्सटेंसिवली स्टडी किया है, कहते 200 कॉल देमसेल्फ टीवी एडिक्ट्स ऑन सर्वे, जिन्होंने अपने आप को टेलीविजन एडिक्ट बताया था कि उनको लत लग गई है टेलीविजन की, ऑन अ मेजर कॉल्ड शॉर्ट इमेजिनल प्रोसेस इन्वेंट्री ही फाउंड. उसने क्या पता किया दैट सेल्फ डिस्क्राइब्ड एडिक्ट, जिन्होंने अपने आप को एडिक्ट कहा है, आर मोर इजिली बोर्ड, वो इजिली बोर हो जाते हैं एंड डिस्ट्रैक्ट करना उनको ईजी है, एंड हैव पुअरर अटेंशनल कंट्रोल, फोकस भी नहीं होता उन लोगों से, देन नॉन एडिक्ट. ठीक है, जो उन लोगों ने अपने आप को कह दिया कि हम टेलीविजन एडिक्ट हैं, उनसे कहते कोई फोकस नहीं होता, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बोर भी इजिली हो जाते हैं, इन कंपेरिजन टू दोज जो नॉन एडिक्ट हैं. द एडिक्ट सेड दे यूज टेलीविजन टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्फ फ्रॉम अनप्लीजेंट थॉट्स एंड टू फिल टाइम. कहते अपना समय पास करने के लिए एंड अपने कोई नेगेटिव थॉट से, अनप्लीजेंट जो अच्छा थॉट नहीं है उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने के लिए उन्होंने टेलीविजन देखा. अदर स्टडीज ओवर द ईयर्स हैव शोन, बाकी जो पढ़ाई इतनी समय तक हुई है उसने ये बताया है, हैवी व्यूअर्स मतलब टेलीविजन एडिक्ट्स आर लेस लाइकली टू पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स एंड मोर लाइकली टू बी ओबीज, मोटे हो जाते हैं वो लोग, एंड वो स्पोर्ट्स और कम्युनिटी मतलब सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट बहुत कम करते हैं, लेस लाइकली. पीपल आर लेस लाइकली टू अकम्पलिश देयर वर्क. अ हैंडफुल स्टडीज हैव अटेम्प्टेड टू स्टडी टाइप्स ऑफ मीडिया एडिक्शन, नहीं ये भी नहीं बताया. द एडिक्टिव पावर टेलीविजन कुड प्रोबेबली मिनिमाइज, तो कुछ नहीं की प्रॉब्लम. पीपल हु बिलीव देमसेल्फ टू बी टेलीविजन एडिक्ट आर लेस लाइकली टू ज्वाइन ग्रुप एक्टिविटीज. ग्रुप एक्टिविटीज को क्या कहा है यहाँ पे, कम्युनिटी एक्टिविटीज. सो जी इज द आंसर. पीपल हु बिलीव देमसेल्फ टू बी टेलीविजन एडिक्ट, यहाँ पे भी लिखा है सेल्फ डिस्क्राइब्ड एडिक्ट्स, या हु कॉल्ड देमसेल्फ टेलीविजन एडिक्ट. ठीक है, सो ये मिल गया. आर लेस लाइकली टू ज्वाइन इन ग्रुप एक्टिविटी, लेस लाइकली टू पार्टिसिपेट, ज्वाइन वहाँ पे लिखा है, इन कम्युनिटी एक्टिविटीज ग्रुप एक्टिविटीज. जस्ट कीवर्ड देखो, इतना अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो छोड़ दो, सिर्फ आंसर लगाओ. ठीक है, सो 28 आंसर इज जी. 9th टेनिस एम मैकबेथ विलियम्स. सो 9th टेनिस, यहाँ पे जी पैराग्राफ में नेम मिल गया मुझे, टेनिस एम मैकबेथ विलियम्स, इस यूनिवर्सिटी का है. स्टडी किया है इसने अ माउंटेन कम्युनिटी, दैट पहाड़ों में कोई एक सोसाइटी के ऊपर इसने स्टडी की है, दैट हैड नो टेलीविजन, पहले कोई टेलीविजन नहीं था, अनटिल केबल फाइनली अराइव, जब तक केबल नहीं आई थी तब तक कोई टेलीविजन नहीं था वहाँ पहाड़ों पे. ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन इन द टाउन बिकम लेस क्रिएटिव इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो ना कम क्रिएटिव हो गए समय के साथ, एंड लेस एबल टू परसेवरेट एट टास्क, मतलब टास्क अकम्प्लिश करने में वो क्या हो गए, लेस एबल हो गए, लेस टॉलरेंट टू अनस्ट्रक्चर्ड टाइम. सो अनस्ट्रक्चर्ड अनप्लान्ड जो टाइम है उसके लिए भी वो क्या हो गए, लेस टॉलरेंट. सो यहाँ से क्या आ सकता है, ऑडियंस वुड गेट हिप्नोटाइज की बात नहीं की, पीपल आर लेस लाइकली टू अकम्प्लिश परसेवर देयर वर्क विद टेलीविजन. सो टेलीविजन आ गया, उसके बाद ओवर टाइम मतलब टेलीविजन आ गया ना, उसके बाद एडल्ट भी चिल्ड्रन भी लेस क्रिएटिव हो गए एंड लेस एबल टू परसेवर एट टास्क. सो टास्क को क्या लिख दिया, वर्क. अकम्प्लिश को क्या लिख दिया, परसेवर. ठीक है, सो मेरा आंसर आ गया सी. चार्ल्स विनिक, देखो एच पैराग्राफ में, चार्ल्स विनिक यूनिवर्सिटी योग का है, कंक्लूडेड. इसने क्या रिजल्ट निकाला, द फर्स्ट 3 and 4 डेज फॉर मोस्ट पर्सन्स वर द वर्स्ट. सो ये वर्स्ट हैं क्यों हैं थोड़ा देखते हैं. नियरली 40 years ago
गैरी ए स्टिनर इस यूनिवर्सिटी का कलेक्टेड फैसिनेटिंग इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ फैमिलीज हु सेट हैड ब्रोकन. अच्छा, जिन सेट मतलब जिनका ना टेलीविजन ब्रोक हो गया था, टूट गया था, उसका उसने कहते स्टडी की. फर्स्ट थ्री और फोर डेज फॉर मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोगों के लिए पहले तीन चार दिन ना बड़े बेकार गए, वर द वर्स्ट. इवन इन मैनी होम्स वेयर व्यूइंग वॉज मिनिमल एंड वेयर देयर वर अदर ऑन गोइंग एक्टिविटीज, एंड ज़्यादातर घरों में जहाँ पे कहते टेलीविजन पहले से ही कम देखा जाता था एंड और भी बाकी भी एक्टिविटीज हो रही थी, वहाँ पे सिचुएशन क्या थी, वर्स्ट थी. इन ओवर हाफ ऑफ ऑल द हाउस होल्ड, आधे जो घर थे वहाँ पे क्या हुआ, ड्यूरिंग दीज फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लॉस, जब पहले कुछ दिन जो थे ना जब उनका ब्रेक हो गया टेलीविजन, द रेगुलर रूटीन वर डिस्टरप्टेड, जो उनकी डेली की रूटीन थी वो बिगड़ गई. फैमिली मेम्बर्स हैड डिफिकल्टीज इन डीलिंग विद द न्यूली अवेलेबल टाइम, फैमिली को कहते परेशानी आती थी भी कैसे वो अपना जो समा है फ्री, जिसमें वो पहले टेलीविजन देखते थे, अब न्यूली अवेलेबल जो टाइम है फ्री उसमें क्या करें. एंजाइटी अग्रेशन हुआ वर एक्सप्रेस्ड बाय द सेकेंड वीक, सेकेंड वीक में उन्होंने एंजाइटी घबराहट या गुस्सा वगैरह शो किया. अ मूव टूवर्ड अडेप्टेशन टू द सिचुएशन वॉज कॉमन, फिर क्या हुआ सेकेंड वीक के बाद कहते एक अडेप्शन मतलब उस चीज़ को यूज टू होना, सिचुएशन को यूज टू होना देखा गया, ये काफ़ी कॉमन देखा गया. अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ रिसर्चर्स हैव येट टू फ्लैश आउट दीज एंसिडोट्स, ये उन्होंने ना कुछ जो उनके मेन पॉइंट्स हैं उनको जोड़ना है, स्टोरी बनानी है. नो वन हैज़ सिस्टमेटिकली गैदर्ड, सिस्टमेटिकली कहते किसी ने भी अभी तक गैदर नहीं किया स्टैटिस्टिक्स ऑन द प्रेलिवेंस ऑफ दीज विड्रोवल सिम्टम्स, अगर कि टेलीविजन टूट गया और उसके बाद उनसे वॉच नहीं हुआ टेलीविजन तो उसके विड्रोवल सिम्टम्स क्या होंगे, तो कहते कोई नहीं, किसी ने भी अभी तक गैदर नहीं किया वो डाटा. सो टेंथ का आंसर देखते हैं, ऑडियंस वुड बी हिप्नोटाइज की बात नहीं हुई. हैंडफुल स्टडीज हैव अटेम्प्टेड टू स्टडी अदर टाइप्स ऑफ मीडिया अडिक्शन, बाकी मीडिया अडिक्शन की बात नहीं हुई, सिर्फ टेलीविजन की हुई है. अडिक्शन पावर ऑफ टेलीविजन कुड प्रोबेबली मिनिमाइज प्रॉब्लम, मिनिमाइज प्रॉब्लम की बात नहीं की, यहाँ पे तो प्रॉब्लम बड़ा ही है. इट इज हार्ड फॉर पीपल टू एक्सेप्ट द लाइफ विदाउट टेलीविजन एट द बिगिनिंग, हाँ पहले पहले मुश्किल है उनको जिंदगी एक्सेप्ट करना, किसके साथ, विदाउट टेलीविजन. ठीक है, सो यही इसने बताया था, पहले के पहले कहते अग्रेशन भी आया, उनकी रूटीन डिस्टर्ब्ड हो गई, वर्स हो गया. सो ये आएगा टेंथ का आंसर एच. 11 to 13 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट लेटर. सो ए बी सी डी करके चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, हमने एक ही चूज करनी है, ये ध्यान रखना. कई बार ना यहाँ पे होता है चूज द करेक्ट लेटर, यहाँ पे तो लेटर चूज करना है तो मैं एक ही चूज करूंगी. समटाइम्स क्या आता है एग्जाम में ना चेंज कर देते कई बार, चूज द करेक्ट लेटर और लेटर्स. सो अगर एक सही है तो एक ही लिखना है मैंने, अगर दो मुझे करेक्ट लग रहे हैं तो मैं दो लिखूंगी इन दैट केस. ठीक है, सो ये ध्यान रखना. नाउ क्वेश्चन इज पीपल इन द इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड, ये पहले हमने देखा था. सो क्या करते हैं पीपल इन इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड, फर्स्ट लाइन ही देखो, द अमाउंट ऑफ टाइम पीपल स्पेंड वॉचिंग टेलीविजन कहते हैरान करने वाला है. ऑन एवरेज पीपल जो है इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड में डिवोट 3 hours अ डे टू द परस्यूट, कहते टेलीविजन देखने में वो 3 घंटे देते हैं अपने डेली के, फुल्ली हाफ ऑफ देयर लेजर टाइम, उनका जितना भी फ्री टाइम है उसका ये हाफ बनता है. सो पीपल इन द इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड डिवोट 10 hours ऑन वॉचिंग टेलीविजन ऑन एवरेज, नहीं भी 10 hours तो है ही नहीं, 3 है. स्पेंड मोर टाइम ऑन टेलीविजन देन अदर एंटरटेनमेंट, ये हो सकता है क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्या लिखा है, एंड मोर टाइम मोर देन ऑन एनी सिंगल एक्टिविटी. सो ये 3 hours क्या है, ज़्यादा टाइम है देन ऑन एनी सिंगल एक्टिविटी, किसी भी और एक्टिविटी से. सो हो सकता है स्पेंड मोर टाइम ऑन टेलीविजन देन अदर एंटरटेनमेंट, सो ये हो सकता है, इसको ऑप्शन में रख देते हैं. कॉल themselves टेलीविजन addicts, वो अपने आप को टेलीविजन एडिक्ट कहते हैं. एट दिस रेट someone who lives 75, नहीं ये इसने नहीं कहा. वर्किंग बेस्ट, वो अच्छा काम कर रहे हैं, ये इसकी बात नहीं हुई. सो बी इज द ऑप्शन लेफ्ट. ठीक है, जैसे अगर कई बार MCQs में होता है हमें 100% नहीं लगता आंसर है, बट देखो स्पेंड मोर टाइम ऑन टेलीविजन
ठीक है, ये इसमें कन्फ्यूजन थी भी, हाँ यहाँ पे एंटरटेनमेंट है और यहाँ पे ऑन एनी सिंगल एक्टिविटी, किसी भी और एक्टिविटी पे. सो ये मुझे यहाँ पे मिल गया. अगर नहीं भी कन्फर्म था, बाकी मैंने क्या किया, इलिमिनेशन मेथड किया, तो मुझे आंसर मिल गया बी. व्हेन कंपेयर्ड विद लाइट व्यूअर्स, जो कम टेलीविजन देखते हैं अगर उनसे कंपेयर किया जाए, हैवी व्यूअर्स क्या हैं? यहाँ पे पढ़ा था हमने, रॉबर्ट ने बताया था, दोज हु कॉल देमसेल्फ टेलीविजन एडिक्ट, टेलीविजन एडिक्ट मतलब हैवी व्यूअर्स, ऑन अ मेजर कॉल द शॉर्ट इमेजिनल प्रोसेसेस इन्वेंट्री, ही फाउंड दैट सेल्फ डिस्क्राइब्ड एडिक्ट्स, एडिक्ट्स कौन होते हैं जो ज़्यादा टेलीविजन देखते हैं, मतलब हैवी व्यूअर्स, आर मोर इजिली बोर्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड एंड हैव पुअर अटेंशन कंट्रोल देन अ नॉन एडिक्ट. नॉन एडिक्ट कौन होते हैं? लाइट व्यूअर्स. सो लाइट व्यूअर्स मिल गया, हैवी व्यूअर्स मिल गया. लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स मोर देन रीडिंग, रीडिंग से ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं. नहीं जी, फील रिलैक्स, रिलैक्स तो फील नहीं करते बेचारे. स्पेंड मोर टाइम इन डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग मतलब ख्याली पुलाव अपना बनाना, ठीक है. सो ये भी नहीं, इसकी बात नहीं हुई. आर मोर इजिली बोर्ड वाइल वेटिंग इन लाइन, सो इजिली बोर हो जाते हैं किसी भी सिचुएशन में, ठीक है. सिचुएशन यहाँ पे उन्होंने बता दी है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फैमिली एक्सपेरिमेंट, फैमिली एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? यहाँ पे एच पैराग्राफ में बताया था उन्होंने कि फैमिलीज के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है. कलेक्टेड फैसिनेटिंग इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ फैमिलीज हुज सेट हैड ब्रोकन, जिनका जो टेलीविजन सेट में टेलीविजन जो है खराब हो गया था. इन एक्सपेरिमेंट फैमिलीज हैव वॉलंटियर्ड, वॉलंटियर मतलब अपने आप आगे आके उन्होंने हिस्सा लिया, और बीन पेड, और कईयों को पैसे दिए गए थे टू स्टॉप व्यूइंग, कि टेलीविजन नहीं देखना, टिपिकली फॉर अ वीक और अ मंथ, कुछ हफ्ते के लिए या मंथ के लिए. सम फॉट वर्बली एंड फिजिकली, कुछ कहते हैं वर्बली लड़े और कई फिजिकली लड़े एक दूसरे के साथ. सो देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. नॉट ऑल द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जो पार्टिसिपेट थे, पार्टिसिपेट इन द एक्सपेरिमेंट फॉर फ्री. हाँ ये तो हो सकता है, क्योंकि कईयों ने वॉलंटियर किया था, कईयों को पैसे दिए थे. सो नॉट ऑल द सब्जेक्ट पार्टिसिपेटेड इन द एक्सपेरिमेंट फॉर फ्री. देयर हैज़ बीन अ कम्प्लीट गैदर डाटा, कोई पूरा डाटा गैदर हुआ, ये बात नहीं हुई. यहाँ पे फिर उन्होंने लिखा था, रिसर्चर्स हैव येट टू फ्लैश आउट दीज एंसीडोट्स, नो वन हैज सिस्टमेटिकली गैदर्ड स्टैटिस्टिक्स. सो आंसर आ गया, ये तो कैंसिल हो गया. पीपल आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अदर एक्टिविटीज ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, उनको स्टॉप किया गया था व्यूइंग से, मतलब टेलीविजन नहीं देखना एक हफ्ते के लिए, एक मंथ के लिए, और एक्टिविटीज़ के लिए बंद किया था, ये कुछ नहीं कहा. पीपल कैन नॉट अडेप्ट टू द सिचुएशन अनटिल एंड, भी वो अडेप्ट ही नहीं कर सकते एंड तक, ये भी कुछ नहीं कहा. उन्होंने सिंपल कहा था भी धीरे धीरे विद टाइम उन्होंने अडेप्ट कर लिया अपनी सिचुएशन को, ये कॉमन हो गया था देखने के लिए कि उन्होंने अडेप्शन किया है. पीपल कैन नॉट अडेप्ट, पहले अडेप्ट ही नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कहा. सो 13th आंसर विल बी ए. दिस वॉज द रीडिंग एक्सप्लेनेशन फ्रॉम मक्कड़ बुक द एडिक्शन ऑफ टेलीविजन. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द आइल्स इनसाइडर. Take care. Bye-bye.